हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन दिस योर यूट्यूब चैनल्स तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे ये आपका चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है देखिए आज के वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं राजू मॉडल राजू अनशार पेपर रसायन विज्ञान 2012 के जो 2024 में परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए मॉडल पेपर ये तैयार किया गया है तो ये बहुत ही मॉडल पेपर है आपका तो आप बने रहें हमारे इस यूट्यूब पर और अपने इस पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से देखें देखिए निर्देश आपको दे गए हैं 2024 के लिए क्या है ये जो संशोधित पुनर्संशोधित पाठ्यक्रम है उस पर आधारित ये आपका मॉडल पेपर है तो देखिए आपको सवा तीन घंटे दे गए हैं मॉडल पेपर 2024 प्रश्न आपका पूर्णांक होगा सेवनटी यानी सत्तर अंक का सवा तीन घंटे हो गए आपको पहले विकल्प में दिए दे गए देखिए विकल्प आपके इस प्रकार से हैं प्रत्येक प्रश्न के खंड में चार विकल्प दिए गए हैं सही विकल्प चुन करके आपको उसको उत्तर ढूंढना है तो उत्तर है आपका इस प्रकार से देखिए समान ताप पर किन है के युग में होते हैं तो इसमें ऑप्शन आप आपका ये भी एक दो तीन चार दिया हुआ है तो देखिए कौन सा ऑप्शन आप आपका सही है तो ऑप्शन आप है आपका फोर्थ सही है आपका ठीक है इसमें पहला आप आ, पहले में आपका का खंड में फोर्थ ऑप्शन सही है क्लियर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग देखिए ये है आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है चार धातु तो ये भी सी डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव डेढ़ दो जीरो पॉइंट थ्री फोर तथा माइनस जीरो पॉइंट सेवन, सेवन सिक्स वोल्ट है तो इसकी घटती हुई सक्रियता के क्रम को आपको बताने हैं कि सक्रियता के क्रम घटता हुआ कौन सा है तो ये है आपका ये बी ऑप्शन आपका सही है क्लियर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखिए बिना देरी के हुए हम क्वेश्चन को आपको करवा रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सके ये तीसरा क्वेश्चन आ गया निम्नलिखित में से कौन अपक्रिया शून्य कोट की अपक्रिया है तो शून्य कोट की अपक्रिया कौन सी है इसमें ये आपको बताने हैं तो ये है एच टू सी एल टू एस टू एच सी एल ये चौथा आपका शून्य कोट की अपक्रिया है क्लियर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट क्वेश्चन करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन हल कर लें अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे कि फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ में जब आप गर्म करते हैं तो क्या बनता है जब फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ में अब क्रिया कराएंगे तो पिक्रिक एसिड बनता है क्या बनता है भाई पिक्रिक एसिड अर्थात ऑप्शन दो सही है अगला क्वेश्चन है एमाइडो एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त कर्मक कौन सा है ये आपको बताने हैं अंगाखंड में तो इसमें है बी आर टू के ओ एच ठीक है ये आपका पहला ऑप्शन सही है और अगला क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका राइबोफ्लेविन क्या है तो राइबोफ्लेविन किसका नाम है भाई राइबोफ्लेविन विटामिन टू का नाम है ठीक है ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है क्लियर तो ये आपके इतने तो ऑप्शन हो गए ठीक है अब आपको लिखित परीक्षा की तरफ लिखित की तरफ ले चलते हैं जिसमें आपको लिखित परीक्षा में नंबर मिलेगा ये देखिए पहला है राउल्ट के नियम को प्रभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए राउल्ट के नियम को आपको बताने हैं और उसकी सीमा को बताना है तो देखिए राउल्ट का नियम देखिए इस नियम के अनुसार अब आपसे विलय पदार्थों के विलनों के लिए वास्दाब का अपेक्षित अवंबन विलयन के विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है ठीक है ये ये आपको नोट करना होगा ये फिर इसकी आपको सीमाएं पूछ रहा है तो सीमाएं में देखिए क्या होगा आपके राउल्ट की सीमाएं यह है राउल्ट के राउल्ट का नियम केवल अवापशील विद्युत अभट्टों के तन विलयन पर लागू होता है दूसरा है राउल्ट का नियम केवल उन क्षेत्र अवापशील पदार्थों के बिलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक कपड़ा नहीं करते हैं तीसरा है विद्युत विद्युत अवघट्ट बिलेन में वियोजित होते हैं तथा उनके बिलेनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता और फोर्थ है आपका जो बिलेन में संगठित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता और आपका एक क्वेश्चन दिया गया था देखिए ये है कि एक आवश्यक पदार्थ टू पॉइंट फाइव ग्राम इतना व्यंजी के साथ में घुरा हुआ है तो ये देखिए ये आपका हल है ये आपका बिले का भार इतना है दो सौ चालीस ग्राम आपका भार है और आप जो निकालना है वो आपका ई एम निकालना है तो आप ये सूत लगाएंगे और आपका मान निकल आएगा ठीक है ये मान है ई एम का मान, मान वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू पॉइंट मतलब एट सेवन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का विद्युत वाहक बल ए, एम एफ की गणना कीजिए ये क्वेश्चन है तो देखिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है ई कैथोड माइनस ए नोड ठीक है ये आप कर देंगे और ये आपका मान निकल आएगा ठीक है चलिए अगला क्वार है प्रथम कोर्ट की अपक्रिया देखिए क्या होती है प्रथम कोर्ट को की अपक्रिया के लक्षण लिखने हैं प्रथम कोर्ट की अपक्रिया के अर्धायु काल अभकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है इसके लिए व्यंजक द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है टी हा, हाफ यानी अर्धायु बराबर होता है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई के ठीक है ये प्रथम कोर्ट की अपक्रिया की सांद्रता ये गुना बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग भी ये गुना हो अधिक हो जाता है परंतु वेग स्थरांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है अगला क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का नमूना चौरानवे प्रतिशत है और इसका घनत्व तो वन पॉइंट पौर, एट ग्राम प्रति लीटर है इस ब्लेंड की मूलरता आपको ज्ञात करनी है ठीक है ये है देखिए तो देखिए चौरानवे प्रतिशत से मतलब है कि सौ मिलीलीटर ब्लेंड में एटी का कितना चौरानवे ग्राम है ठीक है तो ब्लेंड का द्रव्यमान तो द्रव्यमान बराबर तो ब्लेंड का आयतन गुड़े घनत्व तो सौ गुड़े एक दशमलव आठ चार गुड़ तो इसको गुड़ा कर देंगे तो दशमलव आपका दो अंक अंकदाई तरफ हो जाएगा तो एक आठ चार ग्राम हो जाएगा नमूने में ब्लैक की मात्रा आपको निकाल लेनी है एक सौ चौरासी में से चौरानबे घटा देंगे कितना आ जाएगा नब्बे ग्राम तो नब्बे ग्राम को किलोग्राम में बदल दीजिए तो आएगा जीरो पॉइंट नाइन ग्राम अब इसका देखिए सल्फेर कम का अणुभार अणुभार निकालेंगे तो सल्फेर कम का अणुभार कितना आएगा अट्ठानबे अट्ठानवे आता है तो मूलरता बराबर आप लगा देंगे बाहर बट्टे और बाहर बट्टे किलोग्राम ब्लैक का बाहर किलोग्राम में होगा यहाँ पर ये यह आपका मान निकल आएगा ठीक है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए संक्रमण उप संयोजन ठीक है तो देखिए संक्रमण किसे कहते हैं वह तत्व तो जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतित ऊर्जा स्तरों के डी कक्षक में भरे जाते हैं ठीक है डी कक्षक ये ये तत्व तो यश और पी के मध्य में स्थित होते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं संक्रमण कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं संक्रमण तत्व की विशेषता भी लिखी है तो इसमें देखिए चारों विशेषताएं आपको दी गई हैं ठीक है थीके। ये इनमें धार्मिक चालकता उपस्थित होती है ये संकर आयन होते हैं रंगीन लवण बनाते हैं ये अनुचुंबकीय गुण प्रयक गुण दर्शाते हैं ठीक है थीके। और अगला क्वेश्चन कह रहा है नेसर्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका तो नेसठ देखिए इलेक्ट्रोड विभो या ब्रेन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को क्या करते है? कहते हैं निर्नेस्ट समीकरण कहते हैं ठीक है जर्मन भौतिकी निर्नेस्ट के अनुसार किसी ताप टी पर धातु इलेक्ट्रोड के ई विभो मानक इलेक्ट्रोड इनाट पर ब्रेन में धातु आनो की सांद्रता एम एन प्लस से निम्नलिखित संबंध होता है ये देखिए अगला है उपश संख्या किसे कहते हैं तो उप संख्या धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणु की संख्या क्या कहलाती है उपशेषय संख्या कहलाती है ठीक है ये ये आपको याद करने होंगे इसे क्लियर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं लिगेंड क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिगेंड क्या है अक्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन को कैसे प्रभावित करता है देखिए लिगेंड कोई प्रमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय प्रमाण को इलेक्ट्रॉन युग देने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं लिगेंड कहते हैं ठीक है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये इतना होता है ठीक है ये आपको याद रखना होगा इसे ये आपको यहां पर और एक क्वेश्चन आपका आया था कि देखिए यहां पर यह क्वेश्चन आया था संक्रमण उपसंयोजन हो ही गया था इसमें परिवर्तित संयोगता थी ये देखिए लेंथेनाइड ये संक्रमण संक्रमण तत्व तो और आयन आयोग इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण अनुचुम्बकीय गुण परलिशित करते हैं जो प्रवर्तित संख्यता को प्रदर्शित करने के कारण एन एस कक्षक डी कक्षकों के ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण दोनों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं अतः संक्रमण तत्व तो प्रवर्ती आशीक संख्या प्रदर्शित करता है ये आपसे पूछा जा रहा है ठीक है और अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड वह अनलेन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए कार्बेलेमिन तथा तो डाइजोट डाई एजोटेरीकरण क्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए तो ये देखिए बेंजीन का सल्फोनीकरण है ये क्रिया आपकी सल्फोनीकरण कहलाती है ये बेंजीन सल्फोनीकरण ये आप ऐसे इसको याद कर लीजिएगा ये और ये है आपका एजोटीकरण ठीक है अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन अस्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है एरियल हाईलाइट का उदय तो इलेक्ट्रॉन अस्नेही प्रतिस्थापन क्या क्रिया क्या होती है कि हेलो हेलोवेंजिन का इलेक्ट्रॉन अस्ह प्रतिस्थापन क्रिया हेलो व्यंजिन का व्यंजिन नाभिक इलेक्ट्रॉन असने प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है अपक्रिया में क्लोरो व्यंजिन व्यंजिन से कम तीव्रता से क्रिया करता है क्योंकि क्लोरिन परमाणु के आय प्रभाव के कारण क्लोरो व्यंजिन के नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो से कम होता है इसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन अस्नेही आर्थो तथा पैरा स्थिति पर होता है क्योंकि आर्थो पैरा स्थितियों पर धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक हो जाता है अर्थात मेसोमोरिक तथा प्रेरणिक प्रभाव भी विपरीत दिशा में कार्य करता है ठीक है ये चीज़ है अगला क्वेश्चन है ये है और इसका देखिए उदाहरण ये है आपका ठीक अगला क्वेश्चन है कि फिनाल अम्ले है। के अम्ले प्रकृति को स्पष्ट करते हुए फिनाक्साइड के अस्थायित्व तो का कारण बताइए तो देखिए फिनाल अम्ले धुर्वे के अम्ले ध्रुव्य ओय समूह की उपस्थिति के कारण फिनाक्साइड आयन के अनुनाद अस्थायीकरण अस्थायीकरण के कारण फिनाल शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त करता है और गुण प्रदर्शित करता है ये देखिए ठीक है एक क्वेश्चन अगला आ रहा है आपके स्क्रीन पर कि प्रथम कोर्ट की अपक्रिया ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोर्ट की अपक्रिया के चार प्रमुख अभलक्षण देखिए यानी प्रथम कोर्ट की अपक्रिया का आपको लेक्चर लिखना है फिर दूसरा कह रहा है उसी में एक नमेरिकल भी है तो पहले आप इसका ये देखिए प्रथम कोर्ट के अभलक्षण क्या है कि प्रथम कोर्ट की अपक्रिया का अर्ध का कारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है ये आपके व्यंजक है देखिए ये दिया गया है ठीक है इसमें आपको क्वेश्चन जो दिया गया था वो है कि प्रथम कोट के के ये आपका मान इतना है ये देखिए ये सवाल है आपका एक इसमें मेरे और पूछा गया है आपसे खंड में जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो मोल प्रति लीटर एस्टिक एसिड की चालकता फोर पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन की पावर माइनस फाइव सीमेंस सेंटीमीटर यदि एसिटिक अम्ल की लेमडा इनफाइनाइट एम का मान इतना है तो इसके इसकी का स्थिर आपको गणना करना है तो देखिए यह मान आपका ये मान आपका दिया हुआ है देखिए ये इसका हल है ठीक है ये और इसी का अगला क्वेश्चन है ये कि लेगेंड क्या है एक दंते दि लेगेंड की परिभाषा दीजिए और इसमें आई नाम को भी आपको बताने हैं देखिए ये पूछ रहा है कि लेगेंड क्या है ये आपको लेगेंड पूछ रहा फिर इसके आई नाम को भी बताने हैं ठीक है और एक दंती और द्विदंती लेगेंड की परिभाषा आपको देनी है क्लियर तो देखिए ये है आपका लिगेंड क्या है कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे लिगेंड कहते हैं आवेश के आधार पर लेगेंड ऋणायन उदासीन लिगेंड अथवा धनान होते देखिए होते हैं ना धनयन हो सकते हैं जैसे ऋणायन लिगेंड सी एन माइनस येनो टू माइनस उदासीन लिगेंड है आपका जल अमोनिया धनायन लिगेंड है आपका येनो टू प्लस प्लस लेगेंड के प्रकार देखिए लिगेन के प्रकार यहाँ पर आपको दो पूछा जा रहा है तो दोनों के नाम दे दीजिए एक दंती लेगेंड वह लेगें जिनके पास केवल एक दाता प्रमाण होता है जो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है एक इलेक्ट्रॉन दान धातु प्रमाण को करने में सक्षम होता है उसे एक दंती लिगेंट कहते हैं जैसे एफ ही जैसे एफ़ माइनस सी एल माइनस और दो दंते कौन होते हैं दु दिन तिलीगेंट कौन तो वह लिगेंट जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं ठीक है ठीके? दो इलेक्ट्रॉन धातु आयन को प्रदान करते हैं उन्हें दुन तिलीगेंट कहते हैं जैसे एथिलीन है डाईमिन एथिलीन डाईमिन है एक्जलेट है ये अगला क्वेश्चन कह रहा कि है कि निम्नलिखित तो के आई पी एस सी नाम लिखिए तो आई पी एस सी नाम देखिए आपके एफ ई एच टू ओ का होल सिक्स सेल थ्री तो यहाँ पर एच टू ओ का एक्वा है तो कितना है हेक्सा है, एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड और दूसरा का आपका दिया हुआ है टेट्रा एमिन टेट्रा टेट्राइन थ्री है तो यहाँ पर एमिन ग्रुप हो जाएगा कई चार हैं तो चार हो जाएगा टेट्रा एमीन सल्फो सल्फेटो कोबाल नाइट्रेट ठीक है <coughs> दूसरा देखिए ये इसका भी आई पी एस सी नाम आपको बताने हैं एक एक करके आप देखिए आई पी एस सी नाम सी आर सी एल एच टू का होल फाइव सी एल टू तो एक्वा, क्लोरो क्लोराइडो क्रोमेट क्लोराइड ठीक है ये ऑक्सीकन संख्या आपको ब्रैकेट के अंदर में देनी होगी दूसरे का बता रहा है पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट क्लोराइड ठीक है तीसरे का है आपका पोटेशियम के थ्री के थ्री सी एन का होल फाइव एन ओ डॉट एच टू ओ तो पें पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल आयरन हाइड्रेट होता है और चौथा आपका पोटेशियमसा साइनोफेरेट एन एफ ए के फोर एफ ए सीजन का हॉल सिक्स तो इसको कहते हैं पोटेशियम हेक्सा सानोफेरेट तो ये चारों के आपको आ, जो आई पी सी है ये चारों के आई पी सी आपको दे दिए गए हैं ठीक है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ और रासायनिक समीकरण भी लिखने हैं ठीक है थीके? तो देखिए हेलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं पहला एल्केनों के हेलोजनीकरण से और दूसरा एल्कीन में हाइड्रोजन हेलाइट के योग के द्वारा तो आपने पढ़ा है कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या ताप पर जब एल्केन हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो क्या बनता है हेलो एल्केन बनते हैं ठीक है जब जैसे यह आप क्रिया देखिए ये देखिए मेथेन के साथ में जब सेल्टो से क्रिया से किया गया तो सी एच थ्री सी एल का निर्माण हुआ ठीक है तो ये एक प्रकार के क्या है हेलो एल्केन्स होते हैं अगला देखिए एल्केनों के साथ में अपक्रिया कैसे किया जब एल्कीन के साथ में हाईलाइट से हाइड्रोजन हाईलाइट के साथ में अपक्रिया कराया गया तो भी एल्किल हाईलाइट का यानी हेलो हाल, एल्किन का निर्माण हुआ ठीक है ये देखिए इसकी अपक्रिया भी देखिए सी टू एच फाइव बी आर को जब केह से अपक्रिया कराया गया तो एल्कोहल बना ये और जब फिर एल्कोहलिक ब्लेंड में इसको गर्म किया गया तो आपका एथलिन बन गया ठीक है ये देखिए समय बात। देखिए अगला क्वेश्चन ये है। एल्केन बनाने है। के, के के की विधि में है प्राथमिक एमेन एवं एल्केन के प्राथमिक एल्कोहल के बिरचन की विधि अथवा आपको देना होगा क्लोरोबेंजीन और एनिलिन से फिनाल के बिरचन यानी बनाने की विधि लिखना है फिनाल के अम्लीय लवण अम्लीय लक्षण को स्पष्ट करना है और इसकी अभिक्रिया भी देनी होगी अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अपक्रिया करता है किसके साथ में टालन अपकर्मक यानी एच एस ओ थ्री एच सी एन फैलिंग बलैन या अपकर्मक ये है ग्रिगनार्ड अपकर्मक आर एम जी एक्स ठीक है या आपको बताना है क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ में अपक्रिया करता है केवल रासायनिक समीकरण आपको देने हैं आर के कार्बोक्सिलिक का आर के साथ में अप्रिया अमोनिया के साथ में अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में अप्रिया और एनओ के साथ में अगला क्वेश्चन है आपका लाल फोरस तथा जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन ये उसी का है सातवां का क्वेश्चन है लेंथेनाइड क्या है उसके नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लेंथेनाइड के आकार में कमी आ जाती है इसकी आक्सीक अवस्था आपको समझाने हैं यहाँ पर देखिए ये इसका आई नाम लिखना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लोरोफान प्रयोगशाला में क्लोरोफान बनाने की विधि का सचित्र वर्णन सचित्र वर्णन आपको किया गया है कि सचित्र वर्णन करिए कि क्लोरोफार्म कैसे बनाया गया है तो देखिए क्लोरोफार्म प्रयोगशाला में बनाया गया है तो एक एथिल एथेल्कोहल से बनाया जाता है और एक एसिटिल से एसीटोन से बनाया जाता है तो आपको कोई भी एक विधि का प्रयोग करना होगा जिसके द्वारा आप क्लोरोफार्म का सूत्र तो आप समझते हैं सी एस सी एल थ्री अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट को प्रभाषित कीजिए और उसके अणु में पाँच ओ एस समूह और सेचो समूह यानी एल्डिहाइड और हाइड्रॉक्सी समूह की पुष्टि करना है आपको कि किस तरह से इसमें जुड़े हुए हैं ठीक है थीके? तो ये जो इधर के इतने क्वेश्चन हैं इसको हम आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे तो आप इतना क्वेश्चन देखें और अगले हमारे वीडियो का इंतजार करें और हम अगले वीडियो में पूरा का पूरा आपको हल करके देंगे तो बने रहें हमारे साथ जय हिंद जय भारत